मुंबई के मलाड स्थित जकरिया ट्रस्ट इन दिनों लोक सेवा में अपनी विशेष योगदान देता है। पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम लोक हित में चालू रहता है, वो मेडिकल कैंप हो या ब्लड डोनेट कैंप या फिर चश्मा वितरण, सब आम जनता के लिए फ्री सेवा रहती है। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका का चुनाव सामने है, सभी पार्टियां जनता से वोट लेने के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम करती है, लेकिन जकारिया ट्रस्ट को कोई चुनाव या पार्टी से लेना देना नहीं है, बस सिर्फ जनता की सेवा और आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम आज मालवणी के 7 नंबर में करीब 300 बच्चों को नोटबुक वितरण किया गया। नोटबुक वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें करीब सैकड़ों बच्चों ने इसका लाभ लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वहां के स्थानीय विधायक असलम शेख ने भी अपनी हाजिरी लगाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असलम शेख ने जमकर जकरिया ट्रस्ट की तारीफ की और बताया कि जकरिया जी की फैमिली हमेशा से ही लोगों की सेवा में रहती है, ऐसे में भी इस ट्रस्ट को जो भी मदद होगी करने को मैं तैयार हूँ, और बताया कि ऐसा कार्यक्रम जकरिया हमेशा करते आए हैं और लोगों को उसका फायदा भी काफी मिलता है। एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके जो कर्ता धरता अपने जकरिया लकड़ा वाला जो है, ये साल में 5-6 प्रोग्राम ऐसा करते हैं जो एकदम लोगों के दिल से जुड़ा हो और आज देश को जिसकी जरूरत है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा तादाद में यहाँ बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको पढ़ने का शौक है लेकिन आर्थिक कमजोरी होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो हर साल कई 100 बच्चों को जो है उनको किताबें देने का काम करते हैं, उनकी फीस भरने का काम करते हैं, कभी मेडिकल कैंप लगाते हैं, कभी जो है जॉब का फेयर लगाते हैं, वेरियस तरीके का प्रोग्राम जो है ये जकरिया ट्रस्ट करते रहता है। उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ एकदम लोगों के पास जा जाके लोगों से पैसा जमा करना, फिर ला के उनको ज़रूरतमंदों को देना, ये एक अच्छा काम करते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि भाई ऊपर से भगवान से अल्लाह से कि भाई उनको जो है अच्छी सेहत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से ये ट्रस्ट के सारे सहयोगी लोग भी जो है मिलजुल के इस तरीके से और भी काम अच्छा करते रहे। वहीं जकरिया ट्रस्ट के चेयरमैन असलम शेख का धन्यवाद कहा और इस प्रकार की जन सेवा को हमेशा जारी रखने की उम्मीद भी जताई। और क्या कहा आपको सुनाते हैं। सत्ता की जरूरत ही नहीं है ना, तो काम जो सेवा का है, सेवा के लिए सत्ता की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो ये सब काम। तो अभी सो फिलहाल यहाँ पर हमारा तो टारगेट जो है 2000 बच्चों का है, यहाँ पर 1000 बच्चों को मालवणी का रखा है, फिर हम दूसरा प्रोग्राम 17 तारीख को वापस कर रहे हैं, वहाँ पर 1000 बच्चों को बांटेंगे, मौका देंगे हमारे MLA साहब तो लड़ेंगे भी। और ये जो हमारे ट्रस्ट के जितने मेरे मेंबर हैं वो सब मिलके हम लोग जो है हमारे तरफ से फंड रेज करते हैं और हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज 1000 बच्चों को बांटने वाले हैं यहाँ पर मालवण के अंदर, खाली बुक का वितरण है खाली और कुछ नहीं। महिलाओं को एजुकेशन दिलाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे आगे जाने वाली आज के ज़माने में महिलाएँ हैं, आज चांद पर भी जो पहुँच चुकी है वो महिलाएँ पहुँच चुकी हैं, तो इसलिए एजुकेशन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं तो बच्चों को ये सलाह देती हूँ हमेशा हर माँ बाप को कि आप म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि म्यूनसिपालिटी स्कूल एक ऐसी स्कूल्स है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है, जहाँ बच्चों को सारी सहूलतें मिलती हैं। जो बुक्स का होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज इसमें वाकई में जो बच्चों को ज़रूरत होती है, और जकरिया भाई मेक टू पॉइंट के एक एक चीज़ जो लेके आते हैं, हम लोग एक एक इवेंट के साथ आते हैं, बहुत प्यारा इवेंट आता है, लाइक बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लास्ट टाइम मेडिकल कैंप, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें हम लोगों को। थैंक यू।